हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे चावल और दाल का बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी नाश्ता। इसे मैंने 3 से 4 तरीके से बनाना बताया, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आप सबकी गायू, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल और 1/2 गिलास दाल को अच्छी तरीके से रात भर फूलने के लिए रख दिया था। तो ये हमारे चावल और दाल फूल चुकी हैं, तो इसे मैंने अच्छी तरीके से धोकर ले लिया है, बिना पानी के आपको लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार को लिया है। अब मैं यहाँ पर अपने चावल को इसमें डाल करके पीस लूँगी। आपको एकदम महीन पीसना है इसे, और आपका जितना मिक्सर जार में आप कोशिश करना कि आप कम से कम पानी डाल करके इसे पीसने की कोशिश करना। तो मैंने यहाँ पर अपने चावल को पीस लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, एकदम महीन आपको पीसना है इसे। उसके बाद अब मैं अपने दाल को पीसूँगी, तो दाल का पानी भी मैंने सारा निकाल लिया है। तो 1/2 दाल को मैं लूँगी, उसके बाद इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लूँगी, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लूँगी, 1 हरी मिर्च और 1 सूखी हुई लाल मिर्च लूँगी। आप चाहो तो कोई एक का भी यूज़ कर सकते हो। 7 से 8 खड़ी गोलकी का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं 1 चम्मच के लगभग जीरा डाल रही हूँ, और इसे भी डाल करके मैं अच्छी तरीके से मिक्स पीस लूँगी। और आपको इसे बिना पानी के ही पीसना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, एकदम सूखी सी होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं पीस दिए तो आप हल्का पानी डालना, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आपको दाल को पीस लेना है। तो इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर अपने सारे दाल को पीस लिया है। बाद वाले दाल को जो आप पीसोगे उसे आप प्लेन ही पीसना। तो मैंने यहाँ पर अपने दाल को पीस लिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी। हींग हमारे खाना पचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, तो आप इसे ज़रूर डालना, और इसे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो फिर मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है, और इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नमक हल्का ही रखना है, आप क्योंकि हमने अभी आटे में भी डालेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर नमक थोड़ी सी हल्की रखनी है। तो जो चावल का हमने मिश्रण तैयार किया था उसमें मैं यहाँ पर 1 से 1.5 कलछुल आटा मैंने डाला है, फिर इसमें नमक मैं हल्का सा डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर दाल में भी नमक डाला था, तो इसमें भी मैंने नमक डाला, इसलिए आप दोनों में नमक बराबर डालना, जिससे कि ज़्यादा नमक ना लगे। तो पहले आटे को आप चावल वाले घोल में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना, उसके बाद आप थोड़े से पानी लेकर के आटे को सानना। देखना आपका आटा जो बहुत ही अच्छे से सन जाएगा, बहुत ही कम पानी में सन जाता है, बिल्कुल भी आपका आटा गीला नहीं होगा, आप पानी का ध्यान रखना। अब हम इसके पिट्ठा बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ही जगह पे इसे पिट्ठा बोला जाता है, हमारे यहाँ पर इसे गोझा बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटे के लोइए को ले लिया, और इसे अपने हाथों से अच्छी तरीके से मैंने फैला लिया है। जिस तरीके से आप लिट्टी बनाते हो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे फैला लेना है। फिर जो दाल हमने पीस के रखा था उसे 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर हम भरेंगे। आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं भरना है, नहीं तो जो आपका जो पिट्ठा है वो फटेगा। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच लेंगे, और इसे थोड़े से लंबे में फैला लेंगे, और इसके दोनों किनारों को लेकर के ऐसे अपने हाथों से दबा देंगे। थोड़ा सा अगर आपका ये बाहर निकले तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ऐसे हाथों से हटा देना। उसके बाद अच्छी तरीके से इसे अपने हाथों से दबा देना, ताकि ये मिश्रण आपका बाहर ना निकले। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक शेप हमने तैयार कर लिया बना करके। अब मैं इसका आपका दूसरा शेप बताऊंगी। तो यहाँ पर आप जैसे रोटी के लिए लोइया लेते उतनी बड़ी लोइया लेकर के आप इसे बेल लेना, और इसे एक कटोरी की हेल्प से आपको इसे काट लेना, क्योंकि ये चावल का आटा है फ्रेंड्स, ये पूरी गोल नहीं बनती है, थोड़ी सी फटी फटी लगती है। तो आप इस तरीके से एक कटोरी की हेल्प से इसे काट लेना, तो आपके एकदम गोल बनेंगी। फिर भी ये थोड़ी सी तो ये होती है, तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर हमने जो दाल का मिश्रण तैयार किया था उसे इसके एक साइड पर हम इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे। यहाँ पर भी हमने 1 से 1.5 चम्मच दाल का ही यूज किया है, तो उसके बाद दूसरे साइड से इसे पलट करके उसे अच्छे तरीके से हल्के हाथों से इसे दबा देंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। इसे शायद बहुत ही जगह पे फर्रे भी, दाल के फर्रे बोला जाता है, तो आप इस तरीके से भी इसे तैयार कर सकते हो, बना सकते हो। अब मैं आपको तीसरा डिज़ाइन बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको आटे की जो लोइया है थोड़ी सी बड़ी लेना है, आपको 2 रोटी की 1 लोइया लेनी है। तो थोड़े से आप जैसे चकले पर आप बर्तन लगा देना, या फिर आपके पास ऐसे बर्तन हो, प्लेट हो, तो आप इसे पलट करके ऐसे बेल लेना। आप किचन के जो टाइल्स वाले सरफेस होते हैं आप उस पर ना बेलें, इसे बहुत जल्दी चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से आप चकले पे या फिर किसी थाली पे बेल लेना बर्तन लगा करके, थोड़े से बड़ी साइज़ पे रोटी के साइज़ के। उसके बाद किनारों को मैं यहाँ पर काट दूँगी, जिससे कि जो हम शेप देंगे वो बहुत ही अच्छे से दिखेंगे और अच्छे लगेंगे।
तो जो दाल का मिश्रण हमने तैयार किया था उसे मैं यहाँ पर लेकर के लंबे से लगा दूंगी, इसे डाल दूंगी अच्छे से, और इसके एक किनारे को लेकर के मैं ऐसे दाल वाले को ढक दूंगी दाल के मिश्रण को, और इसे हल्के हाथों से अपने दबा दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे गोल गोल घुमाते हुए एक शेप दे दूंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। फ्रेंड्स इसे बनाने से बहुत ही अच्छे लगते हैं, और अलग अलग आप शेप से बना कर दोगे तो आपके बच्चे भी बहुत ही आसानी से खा लेंगे। तो उसे मैंने बना लिया। अब मैं आपको चौथा तरीका बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हो। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 2 रोटी के लोइए के बराबर 1 लोइया लेना है, तो इसे भी पत्थर लगा करके अच्छे तरीके से यहाँ पर बेल लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में बहुत हल्के हाथों से आप बेलना इसे, क्योंकि ये चावल का होता है आटा, तो ये थोड़ा सा भरभरा टाइप का होता है तो ये टूट जाता है, तो इसे भी आपको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। और दाल का जो मिश्रण है आपको पूरे रोटी पे फैला देना है, चारों ओर इसके अच्छी तरीके से आपको फैला लेना है। फिर इसका एक किनारे पकड़ करके आपको गोल गोल घुमाना, जैसे आप रोल बनाते हो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे इसको बनाना है। तो ये भी हमारा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इडली स्टैंड का स्टीमर ले लिया है, और यहाँ पर मैंने यहाँ एक थाली भी ले लिया है, एक प्लेट, जिससे कि आप जिस चीज़ में चाहो उस चीज़ में इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक ढोकला स्टैंड को अच्छी तरीके से इडली स्टैंड में डाल दिया है, और उसके बाद मैंने प्लेट को भी इसी पर डाल दिया है। तो पानी को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे मैं 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर स्टीम करूँगी। तो इधर हम इसके साथ खाने वाली बहुत ही बढ़िया सी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता लिया है, एक हरी मिर्च, 2 से 3 कली लहसुन के लिए है, यहाँ पे 1 मैंने टमाटर लिया है, नमक स्वाद अनुसार मैंने डाला है। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। फ्रेंड्स इससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। आप एक बार बहुत ही सिंपल तरीके से धनिया पत्ता की चटनी बना कर देखना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद मेरे इधर 15 से 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ किया, और ये रहे हमारे चावल के पिट्ठा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे पिट्ठा बोलो, गोझा बोलो, जो बोलो, हमारे यहाँ गोझा बोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये दिख भी रहे हैं बहुत अच्छे, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप चाहो तो इसके आलू का भी बना सकते हो, आलू वाला भी बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को वो बहुत ही पसंद आती है, पर ये वाली भी बहुत अच्छी लगेगी, दाल की है। तो इस तरीके से आप बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और फिर इसे मैं आपको काट करके दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी लग रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आप इसे काट कर ही सर्व करना, बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। तो आप चाहो तो इसे इसी तरीके से हरी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हो, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ इसे खाने का। तो अगर आपकी ये ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से ऑयल में डाल करके फ्राई कर लेना, जिससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और जैसा कि आप जानते हो ये चावल की बनी है, तो चावल की कोई भी चीज़ अगर आप फ्राई करते हो तो बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से आप फ्राई करके खाओगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बाकी मेरे पास जितने मेरे गोझे बचे हुए थे उन सभी को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हमारे घर पर सभी को इस तरीके से फ्राई किए हुए ही पसंद आते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। इस वाले गोझे को आपको बिल्कुल हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है। जो हमने कट करके बनाए थे इस तरीके से आप इसे ज़्यादा फ्राई करना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं कुरकुरे। और इस तरीके से जो बनाया है इसे आप हल्का सा फ्राई करना, तो उससे उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छी बनी है। फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी